वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश के क्रम में जनपद में अपराध व अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत राजगढ़ थाने की पुलिस ने अपमिश्रित अवैध कच्ची शराब के निष्कर्षण व बिक्री पर संलिप्त 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से लगभग 700 लीटर अपमिश्रित कच्ची शराब, 3 किलो 500 ग्राम यूरिया और 16 किलोग्राम नौसाधर भी पुलिस ने बरामद किया है। वहीं आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने आबकारी अधिनियम के तहत कार्रवाई की है। बढ़िया बनाओ, बढ़िया राजघाट का नाम आ जाएगी, इतना फैक्ट्री आया आपकी। पुलिस लाइन के व्हाइट हाउस सभागार में पत्रकार वार्ता कर पुलिस अधीक्षक नगर सोनम कुमार ने बताया, ये अवैध शराब जो अपनी शराब मिलती है उसके लिए एक अभियान चल रहा है गोरखपुर क्षेत्र में। एसएसपी सर द्वारा यह अभियान चलाया गया। इसी क्रम में आज दिनांक 19/2022 को 5:30 बजे चक्रावल अमरूद बाग से 4 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। सुनील, लोरिक, अमरजीत और राम सुहेल, इनके पास से 700 लीटर अपमिश्रित कच्ची शराब, 3.5 किलोग्राम यूरिया और 16 किलोग्राम नौसादर भी मिला है। इन सबको गिरफ्तार किया जा रहा है। इनकी मुकदमा अपराध संख्या 22/23/2022 धारा 272 और 62 आबकारी अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई की गई और आगे विधि कार्रवाई इसमें की जा रही है। कुछ पुराना आपराधिक इतिहास भी इनका सर? इनका आपराधिक इतिहास खंगाला जा रहा है और जैसे ही इसमें हमें कुछ मिलते हैं लीड आपको हम बताएंगे। जेल जा चुके हैं ये? अभी इसको गिरफ्तार करके विधि